यशायाह अध्याय 53। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का बोझ भल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का भार उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा कर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना दोष प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहु तेरों को धर्मी ठहराएगा, और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप के बोझ को उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। थैंक यू।